Hello. Welcome back boys and girls. Everybody looks gorgeous tonight. Hello, hello. This is MTV Splits 15, co-powered by Numi, Fixed Derma Shadow Sun Protection, and Wildstone Dio's and Perfumes. You guys look so beautiful tonight. Thank you. Thank you. All right. What's the goss? What happened in the villa? No, no. Uh -oh. I, uh, <laughs> <laughs> yeah. Uh-oh. <laughs> of course. कशिश कोशिश कीजिए बताइए टू माय सब आई मीन नॉट टू माय सरप्राइज रियली आई एम क्वाइट यूज्ड टू इट नाउ तो जब टास्क चल रहा था उधर काफी ठंड थी तो देव ने भी मुझे अपनी जैकेट ऑफर की एडी ने भी मुझे अपनी जैकेट ऑफर की टर्न्स आउट कुछ लोग ऐसा बात कर रहे थे जस्ट बिकॉज़ एडी ने मुझे अपनी जैकेट दी अब कशिश एडी को घुमा रही है बट नाउ आई एम डन एक पॉइंट होता है ना मैं कब तक एक ही चीज को बोलते जाओ एक स्टैंड लेते जाओ अल्टीमेटली स्प्लिट्स स्पिट्स है एक्सप्लोर करने आया मैं सिंगल हूँ राइट मेरा कोई बंदा नहीं है मेरा कोई पति नहीं है अब अगर किसी को दिक्कत हो रही अब मैं खुला खुला बोल रही हूँ अब मैं घुमाऊंगी पर सर जानना तो मुझे है ना कि कौन, कौन रही बोल रहा है सच में पता नहीं क्या बातें बनी या एरिका को किसने क्या बोला कि ये घुमा रही है मुझे आज ही पता लगा उससे पहले तो कोई बात हुई नहीं थी क्योंकि हुआ क्या था कल चैलेंज से पहले ही उसने बोला कि यार मुझे तो परफॉर्म नहीं करना मैं ऐसे नहीं परफॉर्म कर सकती मैंने उस पर कोई उस टाइम रिएक्ट नहीं करा क्योंकि वो मेरी अपोजिट टीम में थी उसके बाद जब वो सीन हुआ के लगी सबके लगी थोड़ा थोड़ा हम अंदर गए रूम में उस टाइम भी इसने कहा कि आई वॉन्ट लीव द शो क्योंकि मैं ऐसे चैलेंजेस नहीं परफॉर्म कर सकती जो भी है अब सर एट द एंड सब यहाँ आपने कनेक्शन के साथ परफॉर्म करने आए हैं कल को मुझे परफॉर्म करना हुआ तो मैं थोड़ी चाहता हूँ कोई ऐसे बोले तो मैं उस टाइम बहुत डिमोटिवेट हो गया था वेल इट्स अ फेक क्लेम आई नेवर सेड आई वांट टू लीव द शो लेकिन हाँ ऑब्वियसली अब जब कोई आप नई चीज करते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा नर्वस थी और ये तो ऑपोजिट टीम में थे तो इन्होंने कैसे सुना मेरी बात को ऑब्वियसली पहली सी चीज है दूसरा आ, या आई गिव गिव यू यू चांस इफ मी वन सो ऑफ लाइक जजिंग अगर मेरा कनेक्शन है तो मेरा कनेक्शन मुझसे आके बोले कोई बात नहीं होगा तुमसे तो मैंने उसे ये चीज बोली कि देखो मैंने पैनिक होकर बोल दिया क्योंकि लाइफ में पहली बार कोई चीजें ऐसी है जो मैं कर रही हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैकआउट करूं बिकॉज आई एम अ विनर मैंने पहला चैलेंज जीता मैं आखिरी चैलेंज भी जीतूंगी और रही बात अगर कशिश की कशिश इज तो अः uh, कशिश और ये uh, जब ये मतलब साथ में बैठ के बातें कर रहे थे अंधेरा था आई डोंट नो किसने बोला बस दो तीन लोगों की आवाजें थी कि तू क्या कर रहा है याडी? क्या कनेक्शन के के साथ ना बैठ के इसके साथ मतलब दूसरी लड़कियों को क्यों टहला रहा है और काफी लोगों ने बोला भी है उसके दोस्तों ने भी बोला है कि तू तो कभी ना है ये वो एंड ऑल दैट तो मैंने ही उल्टा डिफेंड करके बोला कम ऑन जस्ट फ्रेंड्स लेट

is no attitude. You showed me. That I saying <laughs> तो जब ये मेरे पास आया इसने कहा पूछा मेरे से मैंने से बताया भी तब तक इसने पूछा कि ऐसा कुछ हुआ है मैंने कहा हाँ बोल दिया था नाम कि आई विल नॉट परफॉर्म तो उसने कहा ब्रो मैं ऐसे कैसे परफॉर्म कर दूंगा किसी के साथ यार दो दिन में मुझे प्यार तो हुआ नहीं है कि मैं उसके लिए शो छोड़ के चला जाऊँ ऑबली जीतना है तो मैंने कहा भाई तेरी चॉइस है इसके बाद तुझे जो आगे परफॉर्म करना है क्योंकि हाँ

Here's the thing: is assumptions are the mother of all fuck ups. Oh! You know? And for the trio here, you all worked really, really hard today. Both calm kiya. or both minute So मुझे ऐसा should not be left alone. absolutely. <laughs> Addy, because of Jiteaj, I would like for you to also get a chance to go to the Oracle. Oh, Woo! wow. But, the honey I know, I just want to know, let's make this a little bit simple. Who wants <laughs> to take a chance and go to the Oracle with Addy?

शेर और शेरनी को टक्कर मिल जाएगी इंशाल्लाह और दूसरी चीज बहुत चीजें बदल दूंगा मैं इन स्पिरिट एडी हु डू यू चूज तो मुझे लगता है कि uh, कशिश को चूज करूंगा ओके वेलकम बैक टू स्विट्ज़विल्ला एडी आके लेके जाओ उसको So भैया <laughs> मुझे पिच करना है हर्ष को क्योंकि जब मैं आपकी टीम से गई थी मैंने अपना हंड्रेड परसेंट दिया मैं अटैक और डिफेंस जीत के आई हूँ आपके लिए और मुझे चाहिए कि आप मुझ में वो ट्रस्ट दिखाओ और मुझे इस टाइम सेव करो For me, you have performed, and I really want to save you. Kanak. Thank you. Shobika, you think it's a bad choice? You're frowning a little bit. Of course, I'm frowning. I'm equally close to both. इनफैक्ट आज में इनसे पिच करने गई थी और दोनों ने मुझे बोला था कि पिच करने की जरूरत ही नहीं है और फिर भी आई डोंट नो मैं शुरुआत से ही बोलती हुई आई 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 विल बी फेयर फेयर मेरे को लगता है कि एज अ गुड फ्रेंड विद जो लास्ट चैलेंजेस हुए थे उसमें मैंने उसको फेयर चांस दिया कुछ लोग अपसेट भी थे उस बात पे कि तुमने अपने दोस्तों को चांस दिया बट मैंने तेको चांस दिया वहां पर अभी मैं यहाँ पर अकेले डिसीजन नहीं ले सकती हुई बोर्ड एंड So, please don't feel bad about it. I'm still here for you and I'm standing here for you. Alright, so let's move forward. So, you each pair has to choose one person that they want to dump. And hi, Switz villains. Hi. Let's get the cue cards, please. Before we see what everybody voted, we have to remind them of खाना गो मेरी बात हुई थी इससे रिलेटेड अगर शायद वो सेफ नहीं होती तो शायद वो खोल देती बट वो सेफ है तो आई थिंक आई शुड डू दॉरी वोट्स रिपील किया जाए Yeah, I'm going to start with Shivit. Dave, and... <laughs> what? Choti Bahu. Choti. Ah. <laughs> okay. Anika, Obviously, Dev and... Meha. Josh. Kashish huh. and Addy.

एडी uh, ने सीधा सीधा मुझे बोला था कि तेरे को मैं डंप नहीं करूंगा बिकॉज तू ही थी जिसने मुझे पहला बैंड दिया था एंड मैं कशिश के साथ भी अच्छी दोस्ती बनाना चाहती हूँ बिकॉज हम लोग अभी तक बात नहीं किए सो या लेट्स सी थैंक यू ओके एडी और कशिश इसका तो मुझे था लव <laughs> यू भाई सो आई हैव अ क्वेश्चन तुझे जाना था मैंने बोला तो था तेरे कान कहाँ थे है? तेरे कान कहां थे मैंने बोला तो था मैं थोड़ा curious ये चल क्या रहा था अभी? क्योंकि बट आया नहीं बाबा मुझे चांस मिलेगा मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम लिखा तेरे होते क्योंकि तेरे बोलने पर लिखा मुझे वो चीज पता है बट मुझे ये थोड़ी पता था कि मुझे चांस मिलेगा तब तूने को बोला वट इफ अगर तेरे को अलग से चांस मिले तब भी तूने कहा उन्हें जाने दे यार क्यूट कपल है यार ये तो ये तूने तो अमीहा के लिए बोला था ऐसे तू बोलता मैं क्यों मना करता चल ठीक है All right. oh. अनिकेत देव एन एमी फॉर मी देव एन अमीहा निधि One more to Dev. Okay. Erica, pretty obvious. Chilbul. देव एंड अमेह मैंने नाम लिखा है देव और अमेह का थैंक यू देव करान एंड अमेह ओवरवेलमिंगली आप जीत गए हां कुछ uh, कुछ लगा कि थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कुछ लोगों का मैंने क्या बोला मैंने रिवील द नेम कि आई एम वोटिंग फॉर देम बिकॉज़ दे विल चेंज समथिंग आई विल से वन थिंग बदल तो बहुत कुछ गए चेंज क्या करने वाला था।, था।, था ये क्या चेंज कर लेता शो बदल देता नहीं तो क्या करता अरे उसने वो अगर यहाँ दावा करके जा रहा है कि मैं बदल दूंगा मैं बदल दूंगा तो क्या बदल देगा वो नहीं बदल पाएगा कि ये बदल देगा या मैं बदल दूंगा इसका कॉन्सेप्ट ऑफ द शो मैं डंपिंग नहीं चेंज कर सकता मैं अपने दोस्त बचा सकता हूँ मैं अनप्रेडिक्टेबल चीजें कर सकता हूँ बट मैं क्या बदल सकता हूँ और भाई क्या बदल देगा क्या बदल देगा भाई जिस दिन बन गया उस दिन तुझे पता लग जाएगा अब बोल देना तू बोल दे अरे जिस दिन बना उस दिन तुझे पता लग जाएगा क्या बदल देगा अरे तू देखियो देखना नहीं अभी तू बोलूं मैं क्यों आपने किसका नाम लिखा है वो क्यू कार्ड पे एरी एंड स रीजन है क्योंकि कल जो भी हुआ उसके बाद मेरे फ्रेंड्स को भी पता था और मोस्टली बिला में पता ही था कि मुझे नहीं आ रही एरिका से वाइब मैं दो दिन से तीन दिन से कशिश के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ अब मेरे को नहीं वो लगा तो इसलिए मैंने लिखा अब उसके साथ अगर मेरा कनेक्शन बनेगा तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटीज होगी कि मेरा कनेक्शन था वो इनसिक्योरिटीज नेवर लाइक देम उतना नहीं पसंद आया सर बिकॉज़ मैच्योरिटी मिसिंग थी सर थोड़ा मतलब यू नो कम्युनिकेशन लेवल होना चाहिए ना वो सब चीजें नहीं थी सो so, इसमें कोई बुरा लगने की बात नहीं है मुझे भी वो आई वाजंट रियली इनटू एंड देव आपने किसका नाम लिखा है uh, तो जैसे कि लाइक यू नो दीदी एंड आपने किसका नाम लिखा है आपका कार्ड में देव एंड अमेह But we have a couple going to the Oracle. Yes, we do. So, without much ado, let's get them over here, guys. Aajaye. This was a really, really exciting moment for both of us. We were holding hands. We were kind of scared and nervous at the same time. Why are you crying, Akriti? What happened? मैं मैं नहीं चाहती कि दिमाग नहीं जाए मुझे लगता है पूरे विला में सबसे स्वीटेस्ट वही है एंड कनेक्शन ढूंढना चाहती थी बट उसे कोई कनेक्शन नहीं मिला एंड जैसे उसने मुझे अपने पास लाइफ के बारे में बताया उसका लाइफ बहुत डिफिकल्ट रहा, लाइक लव लाइफ उसकी बहुत डिफिकल्ट रही है रिजल्ट आना बाकी है सो दिस इज वाई वी से इधर आप लोगों को सोचना पड़ेगा या किसको को भेजना है एंड ये भी है if they are an ideal match if if so let's continue guys are you guys ready Yes. are you excited yes oracle, oracle, oracle make ideal match hand oracle ke calculations kahama sar द लाइक स्टार्टेड ब्लिंकिंग मेरे हार्ट बीट भी लाइक धक 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 करके हो रहा था अमेहा और देवकरण आप एक आइडियल मैच नहीं हो oh, oh. My heart just crushed for that moment. मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं बट मैं एक श्योर था कि अगर खेलूंगा तो हम यहाँ के साथ वरना मैं गेम खेल मेरी तरफ से आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज़ गोना चेंज सर कनेक्शन दिल से बनते हैं सर चुलबुल हाय लुकिंग हैप्पी हां अभी तो चुलबुल सेव हो गई कोई घर पे नहीं जा रहा है बॉक्स बचा है <laughs> किसने बोला पार्क को ओपन करना है बोला भाई <laughs> yeah. बहुत फील हो रहा है अच्छा <laughs> बेटा ये इसके साथ भी हुआ था पिछली बार <laughs> मैंने हाँ। तो सीख ले ली सर हाँ तो ये, ये तो आज के बाद शायद करेगा नहीं <laughs> फिर फोटो नहीं होनी चाहिए नहीं it's only one are you guys ready yes ma'am hmm. is she There's only one mischief maker. And that is the most amazing, beautiful Urfi. Mischief ka nam mischief ki na Do you wanna know who opened the mischief box? Yes. Good job. <laughs> अभी जो आगे आएगा ना यू हैव नो आइडिया तुमने क्या किया है <laughs> आइडियल <laughs> मैच कहाँ पे है आप है आइडियल मेरा भी बहुत मन करता है मैं भी ऑरिकल के सामने जाऊं पर देना है जस्ट रिमेम्बर्ड मेरा कोई मैच ही नहीं है oh. इसीलिए मैं तुम लोगों के मैचेस में भी गड़बड़ करने आ जाती yeah, <laughs> okay, okay. <laughs> <अभी>, <laughs> हूँ बता रही हूँ बता रही हूँ लेकिन यार जब भी मैं आती हूँ हर बार ऐसा क्यों होता है कुछ इधर बैठे होते हैं आधे इधर होते हैं क्वालिटी नाम की कोई चीज है यहाँ पे कि नहीं है ये बताओ नहीं चाहिए आपको इक्वालिटी की नहीं चाहिए यस yes, कॉस्ट चाहिए. चाहिए, चाहिए ना कॉस्ट चाहिए सिंस आई एम ऑलवेज राइट राइट वाले खड़े हो जाइए अब एक काम करो सब वन सेफ साइड पे जाए जाओ oh. मैं तब से इसको देख रही हूँ इसके चेहरे की हवाइया उड़ गई है मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी तुम्हें नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे लगे मुझे तो फिर क्या हुआ आई I मीन mean, अब पैर एक्सचेंज हो रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि मेरा भी पैर एक्सचेंज हो चाहने से क्या होता है वैसे कैसा लग रहा है सब अनसेफ साइड पे आ गए बहुत खराब लग रहा है बहुत, <laughs> बहुत बुरा लग रहा है ऑफ कोर्स किसको अच्छा लगेगा अनसेफ साइड पे आगे सो आई थिंक थोड़ा सा इक्वल हो जाना चाहिए या yeah. पर कैसे आई नो आई वांट टू नो एक उससे पहले एक सेकंड आप सब से एक बार जोर जोर से हंसो प्लीज सब बहुत जोर जोर से हंसो <laughs> 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 वो बोलते हैं ना जितना हंसोगे उतना रोगे सो गेट रेडी फॉर स्प्लिट्स विला फिफ्टीन का सबसे बड़ा एक्सक्यूज मी प्लीज वो oh! ओह माय गॉड फूल मैं पहन के आई थी कांटे में बाद में ले आई आप लोग को तो पता ही नहीं है ये लोग आपके बारे में आप लोगों से भी ज्यादा जानते हैं ये लोग शुरू से आप लोगों के साथ इस गेम में थे याद आया जब मैं ए, लास्ट टाइम आई थी मैंने क्या बोला था लास्ट, लास्ट मत आना। लास्ट मत आना। तुम लोगों ने सोचा था कि मेरे बॉक्स में तीन पिक्चर्स रैंडमली कैसे निकल आए थे नहीं क्यों सोचोगे वो तो मेरा काम है और जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां मेरी शुरू होती है सो मिशिफ मेकर का सबसे बड़ा मिशिफ प्लीज वेलकम लक्ष्य नायरा दिव्यांश सचिन रिक्टन, दिकीला उन्नति राहुल रूरू दिग्विजय और इशा इसको तो आप सब जानते हैं yes. है ना वेलकम बैक, तो गाइस आप लोग के मन में काफी सवाल होंगे ना यस yes. तो yes. yes. so मैं एक एक करके सबको मौका दूंगी जिससे जो सवाल पूछना है आप पूछ सकते हो स्टार्ट करते लक्ष्य से कुछ बोलने की जरूरत है वट आर यू डूंग दिनों बाद मिले प्यार से बात कर ले यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू आई यू सीरियस मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है It's fine, bro. पता करने के लिए नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ तुझे एकदम से मुझे बिल्कुल भी जाना ही नहीं है पास्ट में मैंने ये चीज क्लियर कर दी थी पहले भी अभी भी क्लियर करूंगी मुझे नहीं जाना है मेरे पास में दिस ईयर फॉर मी फॉर अनेका नॉट फॉर एनी वन एस पहले से पता था, उस में आ रही है। अच्छी बात है सुन भी मैं आता हूँ अनेका जब आगे चल रही है तो मैं अनेका के पीछे जाता हूँ कुछ ना कुछ क्रिएट करता हूँ

ये भाई रो देख एक सिंग एक सिंग प्रोटेक्शन तो बाद में दे आराम से भाई करने दे प्रोटेक्शन ए भाई सुमित नहीं तू हमेशा भी होता है ओ पहलवान है प्रोटेक्शन बाद में दे भाई बोल रहा है वो बोल रहा मेरे को समझ में प्लीज प्लीज बोल रहा है गाइस 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 बैक बैक गाइस 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 गाइस

जैकेट निकाल ले टी शर्ट कर गर ले, ले। क्या भार? श्रुण श्रुण भार दो कर ले

we understand the unresolved issues yeah but this is not the way yaar chal kya raha hai yaar guys you're not allowed to each other bhagwan ne zuban diya wo use karo na look at me don't look at me are you okay Oh, okay. It's okay. It's okay. It's okay. Girl, we'll all been there. This will make you strong. You get over this. You can do it. I don't want him to come. I just want to move on. You oh, will. My okay, so the only way for you to fucking move on right now is get over it. Yes. I do you do understand? You I'm here. He's here. He's right there for you. Okay? So take some comfort in that. And that is it. Right now, I think your focus should be her focus You're in Splitsvilla. Our mischief maker has added more than just mischief tonight. And what just happened is not okay. Splitsvilla does not condone violence. We are not okay with it. When you raise a hand against somebody, you are violating their personal space and breaking our rules. Mojipata both emotions, but that doesn't mean that we hit each other and fight like animals, because that's what you guys were just now. You guys acted like animals. I I actually think that animals have a code of conduct better than what I just saw. You scare the girls, scare production. You cannot be trusted. It's not okay. It's not okay. Sani's right. What if some girl got caught in the crossfire? What if someone just Itna lagta? would you all forgive yourself? Y'all you should be ashamed of yourselves. Consider this the last and final warning. Aaj baad I don't want to see this sort of behavior. solution So, I understand, for you guys, this is extremely emotional, or emotions took over. You're seeing people you've not maybe seen in a long time, doke, unresolved business, unresolved emotions. Does anybody here wanna talk about those emotions? दिव्यांच, जब आप आए, आपकी नजर सिर्फ चुलबुल के ऊपर था। She was my last connection. Was she more than just a connection? Yes, she was. We were engaged. It just ended on a bad note. कैसे? I shouted at her father in front of her. गुस्सा भी हो रही थी ये. तो मैं बस वहां से बस वॉक आउट कर गया के बाद कोशिश करी थी बात करने की बट हो नहीं पा रही थी फॉर करेक्टिंग माय मिस्टेक आई एम हियर क्यों तो गाइस आई मीन लव बेटर हाय गाइस दे वंगे आई एम हियर फॉर यू दिवांगी नहीं मुझे बस एक चीज पूछनी है कि अभी एक डेढ़ साल का थे जो मेरा रीजन था मूव ऑन वहां से जाने का वो यही था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है मुझे नहीं करना है जब मैं खुद स्टेबल नहीं था तो मैं तुमको कैसे लेकर के जाता आई वॉज टू सपोर्ट यू अरे बट सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियली सपोर्ट भी तो चाहिए होता है ना बींग ऑन प्रैक्टिकल साइड

i think deviance of villa i to express how you feel right make it up to her or at least come to some closure i will try my best ma'am if you're meant to be together you're meant to be together yes ma'am tequila hi who's your ex here Aniket. Aniket. Okay. I actually wanted to hear from him. Okay, okay. Before anybody says anything, I just want to tell you, sir. Okay. लड़का का एक गलती से लड़की का दस गलतियाँ ओवर शेडो हो जाता है। I'm gonna accept whatever you say.

You know I for the first time I got anxiety attack. मेरे को पता भी नहीं है एंजाइटी क्या होता है। Yeah yeah yeah. Okay okay fine. <laughs> ये क्या एक्ट <laughs> कर रहा है भाई साहब? This is acting. I really thought you'd accept my fault, and so that I could forgive you, but. Oh, sh She was fighting. I've with been all an athlete all my life. I don't fake. I'm not an actor. Oh, really? Yeah, I'm oh, not an really, actor. I can I'm not an actor. Here.

i've been an athlete all my life i don't give a shit about things but this is not supposed to happen today i am going to admit i've been in madly in love with this girl i've made mistakes in my life i've also admitted managalti a because you never know what happens

There's going to be hiccups. There's going to be speed bumps. Mm -hmm. Because that's how you get to know each other. If that's not the then something's yeah. wrong. Yeah, yeah. Right? Sachin, I'll talk to you. What's your story? And who is your ex? And, and the same here. आखिर थी यार तुम रात को बैग लेके भागी थी मुझे नहीं पता तुम मुझे यहाँ पे मिलोगी अरे भागी नहीं थी एक्चुअली तुम्हारा घर छोड़ के गई थी बहुत सी चीजें हुई थी तो बताओ आए हो तो बताओ ना यार क्या हुआ था आ... आ... आगे बोलू हाँ बिल्कुल बोलता हूँ मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि तीन महीने से तो दिखे नहीं तुम मुझे एकदम से रियलिटी शो में दिख गए

मैंने तुमको अप्रोक्सीमेटली थर्टी फोर्टी कॉल्स किए होंगे ठीक ठीक है है उसके बाद तुमने मैसेज किया कि आई एम इन नवी मुंबई आई वॉज वेरी वर्ड मैं पूरी रात मैं नहीं सोया क्योंकि यू you नो know, कि कितने क्लोज थे हम लोग उस टाइम पे हम लोग अप्रोक्सीमेटली तीन महीने साथ में थे शो के बाद से और शो में इतनी सारी बॉन्डिंग हुई और उसके बाद हम लोग बाहर इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए गए मैं जो भी कर सकता था तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया यार मुझे एक बात बताओ इंसान से गलती होती है ना हर एक इंसान से गलती होती है ठीक है अगर एक गलती मेरे से कुछ भी हो गई या फिर तुमको किसी चीज का बुरा लगा या तुमने कोई चीजें देखी हर किसी का पास होता है यार लास्ट टाइम आई रिमेम्बर मैं शाम तक अप्रोक्सीमेटली मैंने डेढ़ सौ कॉल्स किए होंगे और तुमने

दूसरे महीने ही कर देते इसको कहते हैं एफर्ट सिर्फ एक दिन सौ कॉल करने से कुछ नहीं होता है ठीक है तुम तो मेरे अभी भी फ्रेंड हो तो इन सारी चीजों को इतना पर्सनली मत लो जो चीजें मैंने तुमसे एक्सपेक्ट की थी वो चीजें मुझे नहीं मिली तभी शायद हम लोग उस सिचुएशनशिप से आगे नहीं बढ़ पाए If अगर वो सारी चीजें मुझे मिलती तो डेफिनेटली हम जाते एक लाइफ में ना क्लोजर होता है अगर तुमको कुछ बात करके जाना था ना अगर वो छोड़ के जाना था एटलीस्ट मिलके और वो क्लियरिटी देके जाना था मुझे, नहीं, नहीं करना था तुमसे कुछ क्लियर क्योंकि जो चीजें मुझे क्लियर करनी थी वो मुझे साफ साफ दिख रही थी तुम्हारे साइड से अरुण डोंट थिंक सो अब कुछ बाकी है कहना वी हैव लॉट्स ऑफ अनरिजॉल्व स्टोरीज हियर बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज नाउ blitz villa it's all of you you are all a part of each other's lives now you have seen millennia you have seen a reign of so get used to it

डोम इतना ज्यादा भयानक हो गया था रात को कि खत्म होते होते सुबह ही होगी थी एंड जब तक हम स्प्लेट सुला पहुंचे प्रॉपर सनराइज हो गया था एंड सनराइज में हमें फर्स्ट टाइम देखने और लोग जल चुके हैं मतलब मेरे को मिला था भाई पहले था एक शो भाई वहां तो हिलता था वो बातों से मेरी लगा था भाई टीवी पे देख के ना थोड़ा सीख सूख क्या होगा फिर उसने वही हरकते चालू कर दी सेम सेम कॉपी पेस्ट जो वहां रोडीज में हुआ था जाकर तो तारा <laughs> अबे भाई कुछ नया कर भाई नए शो में आया है तांड में दम नहीं है ना अकेले लड़ने का अभी भी अंदर छुप के बैठा हुआ है अरे अभी दम नहीं होगा भाई बाहर आने का पैरेटा पैरेटा और तेरी चुंगम बीच में आ रही है ब्रो जिसे मैंने थूक के फेंक दिया था दोबारा वापस आ गई है वो थूकी हुई से लेकर इस शो तक भी कैरी फॉरवर्ड हो रही थी नाउ प्लीज गेट ओवर अच्छी लड़की है जितना मैंने सुना है और जिसके वो साथ है मतलब मैं जिस तरीके से बिहेव कर या तो उसने शिवेद ने उसको अपने जैसा ही बना दिया बिकॉज आई कुड सी बोथ ऑफ देम जस्ट लुकिंग लाइक सेम

मिला के देखा सबने हम डोर्स बंद कर दिया मैं ऐसे हो गया कि मैं तो कुछ कह रहा ही नहीं मैं तो डोम में कुछ बोल भी नहीं पाई कुछ कुत्ता था नहीं इतने फेक लोग है ना इतने फट्टू लोग है सारे के सारे ऐसे जीतने आए दरवाजे बंद करके बैठ गए वाले और वाले एक दूसरे से काफी खुनस खाए बट मैं ठहरा अलग इंसान मुझे कोई मतलब नहीं था मैंने कहा तुम जाओ लड़ते रहो भिड़ते रहो मरते रहो मुझे कोई मतलब नहीं मैं आया हूँ मेरी बंदी के लिए मैं जा रहा हूँ मेरी बंदी के पास yes. मैं बहुत पोलाइटली उसके रूम में गया मैं उससे बात करने लगा बात क्या मैं, मैंने किया था ईगो में अंगूठी रख के गया था जो भी किया था जाना बोलते है ना रिश्ता अरे यार ठीक तो है ना मेरे पे मेंटल प्रेशर था है। मैंने तुम्हारे पापा के सामने चिल्लाया था तुझे पता है मुझे ये शूट स्टोरी सब नहीं पसंद है बिल्कुल भी तो रियलिटी शो में क्यों आयो मैंने एक चीज थी बोल रहा हूँ भाई मैं मेरी बंदी के लिए आया हूं यहां पे मुझे गेम से कोई इतना वो ही करना है। मुझे है है इसको लेके जाना मेरी यहाँ आने का क्या रीजन था मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं ब्लैंक हो चुकी थी मैं कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रही थी मुझे बस रोना आ रहा था बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी जो कि हम नहीं बोल सकते हैं तो आप सोचो किस लेवल तक तो कितना ट्रॉमेटाइज हुई है ये लड़की राइट नो एनीथिंग ब्रो आई नो आई थिंक यू डोंट नो एनीथिंग प्लीज नो 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 आई यू डोंट से दिस गाइस गाइस आपको तीन दिन हुए है। मैं चार साल से साथ में था गाइस अगर आपको करना था, भाई मैं तो पहले उसके पापा से बोलते उससे ना पूछो नहीं किया आपको तो। नहीं अरे देखा ही नहीं जैसे ही नहीं बोल रहे 10 मिनट दो मैं अपने आप बात करना चाह रही हूँ प्लीज लीव उस समय मेरे को पीस ऑफ माइंड चाहिए था मुझे नहीं समझ आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है I'm waiting for you outside, अरे आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड बाबा वेट मैं वही कर रहा हूँ ये कोई गली मोहल्ला नहीं है उसको आना होगा आएगी ना यार लड़की से जबरदस्ती थोड़ी मिलोगे हाँ बिल्कुल भाई उसको आना होगा तो आएगी बस रिमाइंड करा रहा हूँ कि दस मिनट का वेट, भाई। वेट कर रहा हूँ बाहर खड़े रहे अरे बोल रहा हूँ उसको बोला यार तो पता है हाँ तो बस मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ तो मैं रिमाइंड करवा रहा हूं बडी तो उसको आना होगा आवाज देके चल-पेल मैं रिमाइंड करवा रहा हूं लेट हो गए थे दो मिनट हो गए थे गाइस बस तो मुझे लगा कि मुझे जाकर एक बार बात करनी चाहिए अच्छे दोस्त बनाओ थोड़े अभी क्या चाहिए आपको मेरे दोस्त तो ऐसे ही हैं जैसे भी हैं हाँ मैं भी उनमें से ही एक हूँ मतलब आप अभी जस्ट आए हो आके अब मैं नॉर्मल हो जाऊँ तू इतना था तू करती ना तू मूव ऑन क्यों नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे आई ही इसलिए हूँ क्योंकि मुझे अटक के नहीं रहना है यहाँ पे लेके आई और तुम्हारे पास लेके आई I'm really very sorry. I, मैं सच्ची में गिल्टी हूँ उस दिन के लिए। I will take my time. मैं एफर्ट्स देखना चाहती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपको चांस देना चाहिए तो मैं आपको ये चांस दूंगी अगर मुझे लगेगा आप गेम के लिए कर रहे हो मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है यहाँ कनेक्शन बना कोई <laughs> <laughs> get up and get lost. अरे पूछ मैं रहा हूँ अरे पूछ रहा हूँ यार बना कौन अरे, अरे यार प्लीज अरे कौन बताना है यार, यार प्लीज यार। को नहीं बताना है अरे प्लीज नहीं, नहीं बताना है यार

तो अब मुझे मुझे तुँ अच्छा तुदा निकल मेरे रूम से क्योंकि इतनी बकवास उसने कर ली थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ अपना दिमाग और खराब करूं। मैं गया के पास आया to you. It just happened.

किन बिचमा बोलेको व्हाई आर यू स्पीकिंग द मिडल तो बिचमा तिमी बिना पर्सनल गको बिकज यू आर बीइंग पर्सनल आई सेड यू आर द क्लोजेस्ट वन विथ मी बिकज तुम नेपाली हो मै नेपाली हो आई कुड शेयर एनी एवरीथिंग विथ यू वो क्या बोल रही है बिचमा के भाई साहब क्यों बिच में बात कर रहा है तुम चल भाई तू साथ बाद में बस तू तुझे तो नेपाली है बोलके मतलब अरे बोल इसको डोंट टॉक टू वाला क्या कर लेगा तू क्या करेगा तू क्या करेगा क्या हुआ

What the fuck was that, bro? तू मेरे से प्यार करता है बोलता है तू मेरे को ट्रस्ट भी नहीं करता है थ्री नॉट इन यू टू ट्रस्ट मी तीन साल तो तूने विश्वास नहीं किया तेरे को मैंने बोला था एक बार तो कर भाई साहब कभी किया विश्वास

I just wanted to let it out. को था कि मैं से कर मैं चाहता था कि मैं मैं चाहता एक बार से बात क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसके जो थॉट कहीं और से आ रहे हैं तो मैं आकृति के पास बात करने गया तो बड़े जोश में आया थी कि आज बताता हूँ मैंने, वो था था। मैंने भाई तुम अंडर, अंडर मैंने मुझे। तुम, मुझे तुम, मुझे तुम, मुझे तुम पसंद करते तो, हर लड़की जो लड़का उसे पसंद करता है उसकी तारीफ वो पहले करे तुम क्या करते थे सारी अपनी मुंबई के दोस्तों की तारीफ पहले तो करते सी थे सी तुम

कम्युनिटी करती थी तुम फोन में लगे रहते थे तुम फोन में लगे रहते थे, थे दिन भर में कब बात करूँ मैं तुम्हें इस चीज के लिए डांटती भी थी कि तो थोड़ा फोन से बाहर निकलो मुझसे बात करो आकृति मेरी किसी भी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी क्योंकि उसको नया कनेक्शन मिल चुका था पर मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि भाई आप एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो अच्छा लग रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा ये भी शायद उसे कहीं ना कहीं ये बातें बुरी भी लग रही थी बट जो है वो है यार मुझे जशवंत अच्छा लगा मुझे उसमें सारी क्वालिटीज मिली जो मुझे चाहिए थी तो आई सॉरी सच में इसके लिए आया है सॉरी इसमें नहीं मैंने तो भी यस और नो आंसर है फुल देखो क्या है कि मुझे नहीं पता क्योंकि क्या कैसी चीजें होंगी क्या होगा ना और मैं किस तरीके से लूंगा ना मुझे आइडिया नहीं क्योंकि मैं उसको खुद से चार महीने के बाद मिल रहा चीजें न ऐसे किया जैसे अनग्रेटफुल है

मेरे लिए वो सारी चीजें नहीं थी बट उस टाइम तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए आखिर थी तो कंफर्टेबल तूने पूछा आई डोंट वांट टू डिस्कस इट मेरा और जशवंत का जो भी कनेक्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और मैं सिर्फ सचिन के वजह से वो अपनी चीजें खराब नहीं करना चाहती मेरे दिमाग में चल रहा था निधि से बात करनी है क्या बोले जा रही थी मैं देखा था वीडियो ये है वो है तो देख लिया तो मैं क्या तुझे स्पेशल बताऊंगी क्या बोला था तू क्या बोल रही है मतलब कि ऐसा कर दिया था वो कर दिया था वही मैंने बोला है तो मुझे तो पता ही क्या बोला लेकिन तू, तू बता ना बात हाँ मे, मेरा नाम यूज करके यहाँ पे पहुँच के ऐसा मत कर ठीक है बड़ा निकाल बड़ा बातें कर रही है

कहते होता यू कॉल करके नहीं बुलाती थी मुझे आ जाओ मन नहीं लग रहा मन नहीं लग रहा आ जाओ यहां पे और उसके बाद जब चीजें होती थी तो हमेशा बच्चे मैंने उठाती थी ओ माय गॉड कॉल मत यहां पे मेरे किस बसड़ को मेरी जिंदगी में वापस भेज दिया है अपने वक्त की होती है

You You you. have a very mind, good mindset. You have a a very very good good mindset. personality. I'm not saying anything to क्यों बोली? और अपने बैल बुद्धि को तुमने कि वो बीच में आके लड़ा भाई तू कौन होता है मुझे ये बोलने वाला तू तब कहा था जब मैं तेरे साथ थी तेरे साथ होके भी मैं तेरे साथ नहीं थी अब मैं अगर किसी और के साथ हूँ तो तुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है

नहीं ना कि मुझे ऐसा लग था कि मैंने गलती करी है मुझे नहीं बात करनी चाहिए थी लक्ष्य से मुझे शिवत को लेके जाना चाहिए था तो इन ग्यारह लोगों के इस विला में आने से इतना तो शोर हो गया था कि जितना भाईचारा चल रहा था विला में कोई लड़ाई नहीं हो रही थी अब जरूर होने वाली थी इन ग्यारह में से चार तो अकेले मेरे दुश्मन तो ना जाने और कितने धमाके होने वाले अभी तो ये लोग एंट्री ये चीजें बहुत खराब होने वाली है अभी एक बात तो यहाँ डेफिनेटली कंफर्म है ये जो टेक्साइज बिला वाले लोग हैं ये सब बैंड हैं।